वेलकम बैक दोस्तों, गुजराती चेस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कैरोकान डिफेंस। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैक टू बैक में कोई भी ओपनिंग जब लेता हूं तो उसके सारे वेरिएशन आपको दिखा देता हूं। तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है कैरोकान डिफेंस, इससे पहले हमने स्कैंडिनेवियन डिफेंस और डेनिश गैम्बिट भी देख लिया है और अब देख रहे हैं कैरोकान डिफेंस। हाउ टू प्ले अगेंस्ट कैरोकान नॉट कैरोकान। खास ध्यान रखो, आप व्हाइट से खेल रहे हो दोस्तों और कैरोकान प्लेयर के सामने आपको कैसे खेलना है उसके बारे में मैं डिटेल में अटैकिंग लाइन बताता हूँ। तो ये लाइन अगर आप प्रिपेयर करके खेलोगे तो व्हाइट से खेलने में बहुत मजा आएगा। e4 c6 वाली लाइन जो है, कई बार ऐसा होता है लोग d4, अगर आप व्हाइट से d4 भी खेलते हो तो आपके सामने जो भी कैरोकान डिफेंस वाला प्लेयर c6 करके खेलेगा तब भी आप कन्वर्ट कर लोगे पैनो बोटोनिक अटैक में। इस अटैक का नाम है पैनो अटैक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं दिखाऊंगा d4 से कैसे कैरोकान का सामना किया जाए। अगर आप d4 प्लेयर हो तो d4 खेलिए बिना हिचकिचाहट। ब्लैक खेलेगा c6 और सेकंड मूव हो जाएगी e4। अब ये हो गया कन्वर्ट हमारा पैनो अटैक में। उसके सामने ब्लैक खेलेगा d5 और यहाँ पे आपको पॉन टेक्स पॉन, सी टेक्स पॉन और फिर c4। दोस्तों बहुत सारे ये पोजीशन से हमने वेरिएशन देखे हैं। c4 अगेंस्ट मैंने बताया कि मोस्ट पीपल नाइट f6 खेलते हैं, उसके सामने आपको रिप्लाई देना होता है नाइट c3, सेंटर पे अटैक बढ़ाना है। उसके बाद ब्लैक नाइट c6 करता है तो आपको बिशप g5 जो एज यूजल हमारी रूटीन मूव है, हर एक लाइन में जितने मूव होते हैं, जैसे 6 मूव हो गया बिशप g5। अब हम देखेंगे अगर ब्लैक ने ये पॉन कैप्चर कर लिया, पॉन टेक्स पॉन, तो आपको क्या करना है। d4 यहाँ आपको पॉन प्रेशर d5 करना है। अब देखो ब्लैक के नाइट के ऊपर अटैक आया है तो नाइट e5 सेंट्रलाइज करेगा अगर नाइट ब्लैक, तो यहाँ पे आपको नाइट f3 खेलना है। डोंट वरी अबाउट बिशप g4, कोई भी चिंता नहीं करनी है bg4 के बारे में, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे नाइट f3, क्वीन c7। अब देखिए आपको ब्लैक के पास जो 7 पॉन है और हमारे पास 6 पॉन है, हम एक पॉन डाउन है, लेकिन अटैक में वाइट है। तो क्वीन c7 के सामने मैं रिकमेंड करूंगा आपको क्वीन d4 खेलिए। क्वीन d4 से नाइट के ऊपर एक प्रेशर बढ़ता है। अब यहाँ पे नाइट fd7, नाइट fd7 अनडेवलपिंग द नाइट फ्रॉम सेंटर। अगर ये नाइट टेक्स नाइट लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉन टेक्स नाइट। अब आप यहाँ आप देख सकते हो कि वाइट के 4 पीसेस एक्टिव हो गए, जैसे ब्लैक के कोई भी पीस एक्टिव नहीं है, सिर्फ नाइट और क्वीन, और वो भी तुरंत अटैक में आने वाली है लाइक नाइट b5 से। तो यहाँ पे कोई भी प्लेयर अपना डेवलप किया हुआ नाइट एक्सचेंज नहीं करेगा। अगर नाइट f3 कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, नाइट ft7 से अपने नाइट को सपोर्ट देगा। यहाँ पे आपको करना है लॉन्ग कैसल। अब ये भी एक सरप्राइज मूव है, लॉन्ग कैसल। अब नाइट इंटू f3 देखते हैं, नाइट इंटू f3, जी इंटू f3, क्योंकि हमारा प्लान तो ऐसे ही लॉन्ग कैसल का था, या पहले नाइट एक्सचेंज कर ले या बाद में करे। तो जी इंटू f6, उसके बाद नाइट b6, हमारे सेंटर पॉन पे अटैक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बिशप f4, अब देखिए क्वीन d8, एक ही मूव है उसके पास, क्वीन d8 अपोनेंट के पास। उसके बाद आपको खेलना है बिशप टेक्स c4, नाइट टेक्स c4 और क्वीन टेक्स c4। अब आप देख सकते हो कि क्वीन और रूक दोनों आमने सामने, ये बहुत बढ़िया पोजीशन होती है जब सामने वाले का क्वीन और हमारा रुक उसी लाइन में होता है। तो बिशप d7, रुक h e1, उसके बाद क्वीन c8। अब ब्लैक ट्राई करेगा एक्सचेंज के लिए, क्योंकि हमारे जो पॉन डबलिंग है उसके हिसाब से ब्लैक की एंड गेम में जाने की तैयारी है। qb3, आपको सिंपल एक्सचेंज नहीं करना है। ब्लैक खेल रहा है e6 और किंग b1,
इस पोजीशन से बहुत ही बेहतरीन आप खेलोगे अब, और बहुत अटैक में है। जैसे कि आप देख सकते हो कि व्हाइट का कैसल हो चुका है, क्वीन डेवलप हो चुके हैं, नाइट बिशप और दोनों रुक सब कुछ डेवलप हो चुका है और सेंटर पे अटैक भी है, तो कौन भला ये गेम लॉस होके आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, बोटवनिक स्टाइल में आप कैसे खेले। मिखाइल बोटवनिक जो थे वो क्वीन डी फोर एट मूव में कर देते, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ई फोर सी सिक्स सेकंड मूव डी फोर, ब्लैक सेकंड मूव डी फाइव, थर्ड मूव पॉन टेक्स पॉन, ब्लैक की थर्ड मूव, व्हाइट की फोर्थ मूव जो सी फोर है, तो यहाँ पे नाइट एफ सिक्स, ब्लैक की फोर्थ मूव, नाइट एफ सिक्स में नाइट सी थ्री, एज यूजल नाइट सी सिक्स, और यहाँ पे सिक्स्थ मूव हो गई बिशप जी फाइव। डी इंटू सी फोर के बाद का वेरिएशन जो बोटवनिक स्टाइल में हमें खेलना है, तो डी फाइव, नाइट ई फाइव और तुरंत क्वीन डी फोर, ना कोई वेट करना है। नाइट एफ थ्री के जगह पे, यहाँ पे मैं नाइट एफ थ्री इसके पहले वाली गेम में देखा था, अब हम ये भी खेल के देखते हैं क्वीन डी फोर, इसमें भी मजा आता है दोस्तों। सेंटर पे डायरेक्ट नाइट पे अटैक। अब नाइट डी थ्री, यहाँ पे ब्लैक नाइट डी थ्री कर सकता है क्योंकि उसका वैसे भी ये पॉन मरने वाला है, तो नाइट और एक्सचेंज करने के लिए यहाँ आपको सिंपल बिशप टेक्स डी थ्री करना है, सी टेक्स डी थ्री, एक मूव आपको वेट करना है, ना क्वीन टेक्स डी थ्री नहीं करना है, यहाँ पे आपको नाइट एफ थ्री खेलना है दोस्तों। नाइट एफ थ्री डेवलप करो, एक्सक्लामेशन मार दूंगा इस मूव को, जी सिक्स, यहाँ पे खेलेगा जी सिक्स। जी सिक्स का मीनिंग क्या है कि ना वैसे भी ये पॉन डबलिंग हो रहा है और बिशप डेवलप कहाँ से होगा ब्लैक का, तो इसीलिए उसने जी सिक्स किया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल बिशप टेक्स एफ सिक्स इंटू एफ सिक्स और उसके बाद शॉर्ट कैसल। अभी भी आप पॉन नहीं ले रहे हो, कितना वेट किया है हमने पॉन को, उसको चांस दे रहे कि तुम अपना पॉन सेव कर लो। क्यू बी सिक्स, ब्लैक एक्सचेंज करने आ रहा है, क्यों एक्सचेंज करने आएगा कि हमारा अटैक है और उसका किंग अभी भी सेंटर में, इसलिए ब्लैक चाहेगा कि जल्दी से जल्दी क्वीन एक्सचेंज हो जाए। क्यू बी सिक्स के बाद आपको रुक एफ ई वन चेक देना है, किंग डी एट, क्वीन एच फोर, हमें तो क्वीन एक्सचेंज करनी ही नहीं है, जी फाइव, क्वीन एच फाइव, अब यहाँ पे इस पॉन के ऊपर अटैक। ये दोस्तों लाइन भी है और आप चाहो तो इसकी पूरी गेम भी देख सकते हो, ये गेम डेटाबेस में मिल जाएगी। और हम देख उसके बाद हम देखेंगे न्यू वेरिएशन, तो यहाँ पे नया वेरिएशन जो है शुरू करते हैं। ई फोर सी सिक्स डी फोर डी फाइव ई डी फाइव सी डी फाइव और सी फोर, आपके ज्यादा मूव इतने इजी है। अब देखिए यहाँ पे नाइट एफ सिक्स जो रूटिंग मूव है, यहाँ नाइट सी थ्री भी आता है हमारा, नाइट सी सिक्स और बिशप जी फाइव, इतने मूव्स कॉमन है। यहाँ पे डी इंटू सी फोर भी करेक्ट है और यहाँ डी फाइव नाइट ई फाइव। अभी हम सेम लाइन में सभी अलग अलग मूव्स देखते हैं दोस्तों, खास ध्यान रखो कि इतने पोजीशन के बाद डी फाइव के बाद ब्लैक नाइट ई फाइव करता है तब हमारी ये पोजीशन होती है। तो नाइट ई फाइव में हमने जैसे देखा कि बोटवनिक स्टाइल में खेलना है, तो क्वीन डी फोर नाइट डी थ्री ये सेम है, और यहाँ पे बिशप टेक्स डी थ्री सी टेक्स डी थ्री और नाइट एफ थ्री जी सिक्स, यहाँ पे बिशप टेक्स एफ थ्री जी टेक्स एफ थ्री और शॉर्ट कैसल। जैसे मैंने बताया कि पहले हम ये वेरिएशन देख चुके हैं, उसी वेरिएशन की ये गेम भी है पूरी, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिशप डी सिक्स खेला था ब्लैक ने इस गेम में, और सामने जो प्लेयर था उसका नाम था कोवाच, और सामने मिखाइल बोटवनिक जो व्हाइट से खेल रहे थे। बिशप डी सिक्स नाइट ई फोर, अभी भी पॉन नहीं लिया, देखो कितना वेट किया है पॉन लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पॉन को तो कभी भी ले सकते हैं, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। बिशप ई सेवन, अब यहाँ पे बिशप ई सेवन जरूरी है, बिशप ई सेवन नहीं करेंगे तो एफ सिक्स वाला पॉन जो हैंगिंग है डबल अटैक से कैप्चर हो जाता है। तो ब्लैक ने खेला है बिशप ई सेवन,
और यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क d6। d6 में ब्लैक अगर बिशप टेक्स पॉन मारता है तो नाइट f6 चेक आ रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया था बिशप f5 काउंटर अटैक किया है, लेकिन ये गलत काउंटर अटैक था। रुक a e1 करके डिस्कवर बना दिया है पिनिंग करके। अब यहाँ पे ब्लैक ने इसने मूव्स के बाद रिजाइन कर दिया। अब क्यों रिजाइन किया, आप देख सकते हो कि अगर ब्लैक बिशप टेक्स नाइट करता है तो सिंपल रुक टेक्स बिशप और उसका पीस लॉस होता है, और बिशप टेक्स नाइट अगर ब्लैक नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन उसका पीस हटाना पड़ेगा, मतलब बिशप हटाना पड़ेगा, जो बिशप f8 के बाद नाइट चेक में उसे क्वीन देनी पड़ेगी, क्योंकि किंग के पास और सॉरी नाइट चेक में चेकमेट हो रही है। तो दोस्तों मैं अब अपनी खेली हुई दो गेम दिखाऊंगा आपको, आज हम दो गेम देखेंगे, वेट एंड वॉच। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने वाइट से एक गेम खेली थी, वो बता रहा हूँ। पोले सिस्टम मेरी फेवरेट लाइन है, मैं वही खेलता हूँ। d4 nf6 nf3 e6 e3 d5 ये क्लासिकल वेरिएशन है। कोले सिस्टम के बारे में मैं अपने कुछ वीडियोस के बाद में आपके लिए स्पेशल कोले सिस्टम बना के लाऊंगा, तो कोले सिस्टम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार ओपनिंग है, वाइट से खेलने में बहुत मजा आता है। उसके बाद बिशप d3 बिशप e7 ब्लैक ने खेला है, इसके ब्लैक के पास अलग अलग रिप्लाइज होते हैं, बिशप e7 या बिशप d6 या फिर बिशप b4 चेक भी देते हैं कई लोग, तो अलग अलग मूव्स होते हैं। तो यहाँ पे उसने खेला था बिशप e7, और बिशप e7 हमारे लिए अच्छा होता है वाइट के लिए, क्योंकि ब्लैक डिफेंसिव खेल रहा है इसमें। तो बिशप e7 के बाद मैंने खेला है b3, उसने b6 किया, और यहाँ पे bb2 सेंटर पे दोनों बिशप का अटैक होना जरूरी है। बिशप b7 और यहाँ पे nbd2 nbd7 और यहाँ पे कैसल। ब्लैक ने c5 करके अर्ली अटैक करना चाहा, नाइट e5। अगर ब्लैक वाइट से जब भी आप कोले सिस्टम करते हो और आपका नाइट e5 पे बैठ गया एक बार, तो आपकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे कैसल, कैसल के बाद f4 और इसको कोई हटाने वाला नहीं है, एक्सचेंज करना भी ब्लैक के लिए माइनस पोजीशन हो जाएगी। नाइट e4 उसके बाद हमने किया c4। अब देखिए ब्लैक अगर डी पोन से सी पोन मारता है तो सिंपल उसका पीस डाउन होता है। तो यहाँ पे f5 किया, नाइट को एक सपोर्ट बढ़ाया, ng f3। अब जब कोले खेलते हो तो दो नाइट का अटैक बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे रुक c1 रुक c8 उसके बाद नाइट g5। अब नाइट g5 के बाद टोटली गेम वाइट के कंट्रोल में। यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी गेम जीत गया था, क्योंकि यहाँ पे नाइट e6 की थ्रेट है, जो नाइट e6 को कोई बचाने आ नहीं सकता, कोई सपोर्ट नहीं आता है, फॉर्क भी आता है, जैसे कि क्वीन भी दे सपोर्ट नहीं कर सकता, नाइट बैठा हुआ है और कोई पीस इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक को कंपलसरी हमारा नाइट एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ब्लैक ने ऐसा ही किया है, नाइट टेक्स और पॉन टेक्स, फिर नाइट e4, और यहाँ आप सोचोगे कि ये पोन को कैसे बचाया जाए, क्योंकि तीन अटैक हो गए, नाइट बिशप और क्वीन। अगर हम h4 करते हैं तो भी हमारी गेम बहुत ही वीक हो जाएगी, वो h6 और ऐसा करके हमारी गेम पे अटैक कर सकता है, या फिर सेक्रीफाइस भी सोच सकता है। पर हमने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपल पोन को आगे बढ़ा दिया और उसे प्रेशर दे दिया। यहाँ पे उसने पोन टेक्स पोन मारा और नाइट टेक्स पोन, फॉर्क आ गया बिशप और रुक के ऊपर। उसके बाद रुक f6, सिंपल विनिंग गेम है दोस्तों। और यहाँ पे क्वीन h5, अब क्वीन h8 चेक की थ्रेट है। ब्लैक ने यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, क्वीन d8 और मेट इन टू दे दिया मुझे, क्वीन चेक और नाइट चेक मेट। तो दोस्तों ये बढ़िया गेम थी। दूसरी गेम देखते हैं हम, दूसरी गेम स्कैंडिनेवियन डिफेंस में है। स्कैंडिनेवियन डिफेंस मेरी फेवरेट लाइन है, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए स्कैंडिनेवियन डिफेंस में पीस सेक्रीफाइस वाली गेम होती है। मैं पीस सेक्रीफाइस भी सब बहुत बार देता हूँ और बहुत गेम जीता भी हूँ उसमें। e4 d5 d5 नाइट f6 थर्ड nf3 वाला वेरिएशन, जिसमें क्वीन टेक्स पॉन मारना होता है, नाइट c3 और क्वीन h5, d4 बिशप g4 पिनिंग नाइट और बिशप e2 फोर्स मूव है सारे, नाइट c6 h3 और यहाँ पे लॉन्ग कैसल। सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाइट अभी भी हमारा बिशप नहीं मार सकता, उसके क्वीन टेक्स रुक थ्रेट में है।
यहाँ पे उसने किया है बिशप e3 और हमने किया e5। व्हाइट ने कैसल किया। इस पोजीशन में ऑलवेज मैं बिशप देता हूँ, इस पोजीशन में सैक्रिफाइस देता हूँ, ऐसे ही पॉन से मरने देता हूँ। यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स बिशप, नाइट टेक्स पॉन। इससे फायदा क्या होता है कि एच फाइल खुल जाती है, क्वीन और नाइट दोनों का अटैक, और तुरंत ही आपका रूक लिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बिशप g5 f6 बिशप, और यहाँ पे पॉन टेक्स नाइट, डिस्कवर में हमें पीस वापस मिल गया। नाइट इंटरपोज किया उसने और उसकी थ्रेट थी बिशप टेक्स नाइट चेक और हमारी क्वीन लेने की। मैंने वेट करके एक बार पॉन चला दिया है, पॉन टेक्स, और यहाँ पे बिशप d6 एक्सचेंज ऑफर कर दिया है। बिशप टेक्स, रुक टेक्स, बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स, रुक h6, उसके बाद 0-1-0, मतलब ब्लैक जीत जाएगा आराम से, क्योंकि अब फोर्स मेट आने वाले जिसे कोई रोक नहीं सकता। f5 के बाद g3, एक वेटिंग मोर, और फिर क्वीन h1 चेकमेट, जिसे कोई बचा नहीं सकता। तो दोस्तों कैसी रही ये गेम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जल्द ही मिलेंगे कैरोकान डिफेंस के और भी वेरिएशन लेके, मैं आपके सामने जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। हर 2 दिन में मेरा एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय गुजरात।